वेलकम एक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डे ग्रुप में। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही जरूरी हो, बहुत ही जरूरी है। आप सबसे मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो पे आई गए हैं तो विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को फुल वॉच करिए। यूँ समझ लीजिए कि आपका 5 मिनट कहीं वेस्ट ही हुआ, ठीक ना। यदि आपका 5 मिनट वेस्ट नहीं होगा, अगर वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो से आपको कितनी मदद मिली। अगर नहीं मिलेगी, अगर यदि आपका 5 मिनट में जाया कर दिया, नुकसान कर दिया, तो कमेंट बॉक्स में गाली देके जाइएगा, ठीक ना मेरे को। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आप सबको टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं कौन सा टॉपिक लेके आया हूं, मैं लेके टॉपिक आया हूं यूट्यूब हिस्ट्री को और गूगल हिस्ट्री को, ब्राउजर हिस्ट्री को। मोबाइल में जो कुछ भी सर्च करते हैं उस चीज की हिस्ट्री के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री क्या है, ये हिस्ट्री के बारे में क्या ऐसा कुछ चीज बताएगा ताकि ये गाली सुनने के लिए भी तैयार है। देखिए मैं कई दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा था। जब भी मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च कर रहा था, जैसे कि मैंने कोई चीज़ सर्च कर दिया, अपना पर्सनल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई जैसे कि मैंने किसिंग सीन से कोई सर्च कर दिया, ठीक, तो मुझे जब देखने के लिए मन करेगा मैं सर्च करूँगा, ठीक। मुझे मान लीजिए मुझे 1 घंटे में कभी मन कर दिया सर्च करने का, ठीक, मैंने सर्च किया, ठीक ना, सर्च किया, देख लिया, ठीक, देख लिया, उसके बाद बैक कर दिया। फिर 2 मिनट बाद कोई और ले लिया मेरा मोबाइल और वहाँ पर मोबाइल लेके सर्च किया तो उसी रिलेटेड खूब ढेर सारी वीडियो आ गई। तो उसमें पूछने लगा मेरे से, कह रहे यार ये क्या सर्च कर रखते हो, यही सब देखते हो, मेरे वो बड़े थे। तो मुझे ये बात का बहुत ही बुरा लगा, कह रहे यार मैंने तो सर्च बहुत 2 दिन बाद किया था, ठीक। तो मुझे बहुत मेरा बुरा लगा कि मैंने तो यार 2-3 घंटे बाद सर्च किया था, ये फिर वो वीडियो ना आकर उसी रिलेटेड वीडियो कैसे आ गई हैं। और ये मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि YouTube पे मैं जो हम लोग जो भी सर्च करते हैं, सपोर्टेड मानिए, आप जो भी सर्च करते हैं YouTube में, क्या आप वो सर्च करते हैं तो उसी के रिलेटेड आता है, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बताइए, आता है ना। और ब्राउजर की बात करें, इससे साइड इफेक्ट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे कि उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। देखिए पहली बात कि जब हम YouTube पे को सारे चीज़ें सर्च करने लगते हैं, हम 2 साल पहले अगर कोई वीडियो सर्च किए हैं, 2 साल पहले कोई वीडियो सर्च किए हुए हैं, तो आपका जो Google एक्टिविटी है ना, वो सब याद रखा है अपने ब्राउजर में। 2 साल पहले मान लीजिए कि 2021 चल रहा है, 2019 में आपने क्या सर्च किया था Google में अपने ईमेल आईडी से, वो सब कुछ Google याद रखता है और उसी को एक अर्निंग बना के आपको माइंड को बिल्कुल रीड करता है और रीड करके आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। और धीरे धीरे आपको माइंड को रीड कर 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 करके और वो अपने तरीके से बना देता है, जो वो आप देखेंगे वही जो वो दिखाना चाहेगा। धीरे धीरे हम YouTube पे कुछ सर्च करना नहीं करते हैं, ठीक ना, वही चीज़ हम देख पाएंगे जो वो दिखाता है और मेरा माइंड को बिल्कुल रीड कर लेता है, ठीक ना। तो इस बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि यदि हम कोई चीज़ सर्च करते हैं और उसको रिमूव भी कर देते हैं तो बार बार उसके रिलेटेड वीडियो आने लगती हैं। ये बहुत ही बुरा लगता है हमको कि यार सर्च कर दिए, ठीक है, अब तुम दूसरा कुछ आए, कुछ एजुकेशन नहीं आए, कुछ अलग आए, कुछ नया आए, तो ऐसा कुछ नहीं आता है, जो आप सर्च करेंगे उसी रिलेटेड आएगा। यदि आप कुछ क्राइम देख रहे हैं ना, ठीक ना, तो क्राइम के अलावा आपके अंदर आपके यूट्यूब पर न्यूज नहीं आ सकता है। और यदि आप फनी वीडियो देख रहे हैं, मौज मस्ती देख रहे हैं, तो उसके अलावा आपके सामने एजुकेशन वीडियो कोई नहीं आ सकती है। सो ये होता क्या है, होता ये है कि हमारा जो गूगल है, हमारा जो ब्राउजर है, यूट्यूब है, वो इतना एडवांस हो चुका है कि वो हमारी सारी चीज़ों को सर्च करता है, देखता है और उसको प्रचार क्या दिखानी है, क्या करना है, वो सब कुछ जानता है। सो इस चीज़ का बेहतर सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आप इस चीज़ से बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। एक सेटिंग है माई एक्टिविटी, ठीक ना, यदि आप गूगल असिस्टेंट से अपने बोलेंगे या अपने ब्राउजर में सर्च करेंगे माई एक्टिविटी, माई एक्टिविटी सर्च करेंगे तो आप सबके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक ना। इसका सेटिंग कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, आगे मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे बताऊंगा। बिना टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे बताते हैं कि हिस्ट्री जो आप कैसे करें ताकि हमारा गूगल हो या ब्राउजर हो या यूट्यूब हो, कोई भी हिस्ट्री ना देख पाए, इसको ऑफ करके रखेंगे और वो सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे जो हमने 2 साल पहले सर्च किया है, ताकि किसी को पता ना चले। क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं, पहले कोई जानकार होता है तो हमारा सर्च एक्टिविटी देख लेता है और ये पता कर लेता है कि हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या सर्च किया है, और हमारी प्राइवेसी इसके सेफ नहीं होती है। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप ये सेटिंग कर लें। आप सबके मोबाइल में ये सेटिंग बिल्कुल ज़रूरी है और बिल्कुल करना ही करना है कि आपका हिस्ट्री जो है कि गूगल ना पढ़ सके और कोई भी ना देखे, आप जब भी देखें आपका हिस्ट्री रिमूव हो जाए, उसमें कोई टंटमंट ना रहे, ठीक ना। तो सो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर अपना गूगल हिस्ट्री को ऑफ करते हैं। सो लेस गो। सो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाइएगा और सर्च फीचर में सर्च कर दीजिएगा माई एक्टिविटी।
जैसे ही आप माई एक्टिविटी सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो मैं आपको यहाँ पूरा प्रोसेस सही तरीके से करके बताता हूँ। देखिए जो पहले नंबर पे जो राइट का ऑप्शन दिखा रहा है सेविंग एक्टिविटी, ठीक ना, इसको आप ऑफ कर देंगे, ठीक ना। इसको ऑफ करेंगे तो आपके सामने आपके यूट्यूब आपके ईमेल आईडी पे आपके यूट्यूब चैनल ब्राउजर ऐप कहीं भी आपके कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी, ठीक। तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल सबसे अधिक यूट्यूब यूज करते हैं तो हम उसको ओपन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे यूट्यूब हिस्ट्री को ऑफ करने के लिए हम थ्री लाइंस पे जाएंगे, ऊपर जो दिया है माई एक्टिविटी, और ऊपर इसके बाद से चौथे नंबर पे जो दिया है माई एक्टिविटी कंट्रोल, उसको एक्टिविटी कंट्रोल पे जाएंगे। और जैसे ही आप एक्टिविटी कंट्रोल को क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का शीर्षक खुलेगा जो कि इस प्रकार का होगा, ठीक। सो आप क्या करेंगे, आप इधर नीचे जाएंगे, ठीक, और आएंगे लोकेशन हिस्ट्री। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँगा आपको कि ये यूप हिस्ट्री है, ठीक ना। यूप हिस्ट्री मतलब कि आपका ब्राउजर जो सर्च करेंगे वैसी हिस्ट्री रखेगा आपके पास। देखिए जो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं उस पर आप जब आप अपना ओपन करेंगे तो उसमें सही का मार्क्स होगा ब्लू कलर का, ठीक ना, सही का निशान होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, कुछ इस प्रकार, क्योंकि मैंने ऑफ कर रखा था वीडियो बनाने से पहले, कुछ इस प्रकार होगा दोनों में। तो आप दोनों को ऑफ कर दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे बात करूँ मैं, लोकेशन हिस्ट्री है मेरी लोकेशन, तो लोकेशन हिस्ट्री देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम आ गए मेन टॉपिक की बात करें तो यूट्यूब हिस्ट्री, ठीक ना, ये बहुत ही गड़बड़ है और इसी को ही हमें ऑटो डाउनलोड करना है, ठीक ना। इसी को हिस्ट्री नहीं देखना है, ये हमारा यूट्यूब हिस्ट्री ना देखे, बस हम ये चाहते हैं। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैनेज एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, और मैनेज एक्टिविटी में क्लिक करने के बाद आप अगले दो सालों तक, मैंने कहा ना वीडियो में, अगले दो सालों तक आप जो कुछ भी सर्च किए हैं सब कुछ डिटेल्स, टाइम, डेट, सन, सब कुछ दिखा दी। देखिए मैंने आज ये थोड़ा सा देखा था, टुडे 11:43 AM, ठीक ना, मैं ये वीडियो देखा था, ठीक। ये माई एक्टिविटी से देखी गई है इतनी, और पिछले में अगले दो सालों तक ही आप जो कुछ भी देखे हैं, ठीक ना, आप जो कुछ भी देखे हैं, देखिए ये कितने तारीख को मैं देखा था, 19 जुलाई 10:16 PM देखा था, ठीक ना, मतलब कि शाम को। सो आप इस चीज़ को ऑफ करने के लिए कि हिस्ट्री हमारी ना देखे कोई, और यूट्यूब खास करके यूट्यूब ना देखें, तो इसमें आप सेविंग एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ इसको ऑफ कर देंगे, यूट्यूब हिस्ट्री को ऑफ कर देंगे, ठीक ना। इसको ऑफ करके नीचे जाएंगे थोड़ा और पुश पे क्लिक कर देंगे, इसको पुश कर देंगे, वहाँ पे ऑफ हो जाएगा। देखिए ये ऑफ हो गया, तो हमारी सेविंग एक्टिविटी तो ऑफ हो गई। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मेरी जो नो सेविंग एक्टिविटी है वो हिस्ट्री रहे, लेकिन 2-3 दिन के लिए रहे, तो देखिए यहाँ पे ऑटो डिलीट जो है ऑन है, उसमें आप महीना सेट कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना ऑप्शन देता है, 3 महीना 18 महीना 36 महीना, आप अपने यूट्यूब हिस्ट्री को कितने देर तक हिस्ट्री रखना चाहते हैं, कितने दिनों तक। तो ये 3 मंथ्स है, तो मैं 3 मंथ्स आप यहाँ पर सेव करके और इसको यहाँ इधर नीचे आके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक। जैसे नेक्स्ट करेंगे 3 महीना पहले जो सारी चीज़ हुई है इसको कन्फर्म और ये डिलीट हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद से आप बैक जाएंगे, गोटिट कर देंगे नीचे, ठीक। और ये देखिए जो नोट सेविंग है ये ऑफ रहेगा, तो आपको कोई डेंजर नहीं है। बस इतनी सी छोटी सेटिंग थी जो आपको अपने मोबाइल में करनी थी, ठीक। सो कैसा रहा, आपको समझ में आया कितना आया कितना नहीं है, और इससे आपको फ़ायदा क्या है कि आपको सचमुच गूगल हिस्ट्री या यूट्यूब हिस्ट्री ब्राउजर हिस्ट्री को ऑफ करना चाहिए, इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ ना हुआ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि अच्छा ना लगा तो मैंने जो पहला शब्द कहा वो भी आप कर सकते हैं, डोंट वरी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डे ग्रुप, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।